आज हम बनाएंगे मंचूरियन। हमने बंद गोभी यानी कैबेज को बारीक काट कर धो लिया है। हम इसमें 3 चम्मच मैदा डाल लेंगे। हम इसमें 1.5 चम्मच अरारोट डाल लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मंचूरियन का बैटर तैयार है। हमने तेल गरम कर लिया है। हम इस तरह से मंचूरियन को शेप दे देंगे। हमने मंचूरियन बॉल कढ़ाई में डाल ली है। इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें हम मीडियम आग पर फ्राई करेंगे। यह एक तरफ से फ्राई हो चुके थे, इसलिए हमने इन्हें पलट लिया है। यह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। हमारी मंचूरियन बॉल्स तैयार हैं। अब हम मंचूरियन ग्रेवी तैयार करेंगे। हमने 1 बड़ी चम्मच तेल ले लिया है। तेल गर्म हो चुका है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। 4 बीच में से काटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने हरी प्याज डाल ली है। हमने 4 बड़ी चम्मच हरी प्याज डाली थी। हमने इसमें 1 चम्मच शेजवान सॉस डाल ली है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे। चुटकी भर अजीनोमोटो डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच अरारोट को पानी में मिलाकर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस डाल लेंगे। 2 चम्मच सिरका डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 2 बड़ी चम्मच पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे टोटल 5 मिनट तक पकाया है। हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। हमने इस पर थोड़ी सी हरी प्याज डाल ली है। हमारा मंचूरियन खाने के लिए तैयार है। हमने इसे खाने के लिए सर्व कर लिया है।